अमेरिका के सर्जनों ने एक 57 वर्षीय शख्स में जेनेटिकली माइडिफाइड सुअर का दिल सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट किया है। मेडिकल इतिहास में ये पहली बार हुआ है और इससे आने वाले समय में अंगदान करने वालों की भारी कमी से निपटा जा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल स्कूल ने बयान जारी कर बताया कि ये ऐतिहासिक ट्रांसप्लांट बुधवार को किया गया। हालांकि इस ट्रांसप्लांट के बाद भी मरीज की बीमारी का इलाज फिलहाल निश्चित नहीं है, लेकिन यह सर्जरी जानवर से इंसानों में ट्रांसप्लांट को लेकर मील के पत्थर से कम नहीं कही जा सकती है। डेविड बैनेट नाम के मरीज में कई गंभीर बीमारियों और खराब स्वास्थ्य की वजह से इंसानों का दिल ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता था। अब मरीज रिकवर कर रहे हैं और डॉक्टर बेहद करीब से नजर बनाए हुए हैं कि सुअर का दिल उनके शरीर में किस तरह काम कर रहा है। मैरीलैंड निवासी डेविड कहते हैं, मेरे पास दो ही विकल्प थे, या तो मैं मर जाऊं या फिर ये ट्रांसप्लांट करवा लूं। मैं जीना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि ये अंधेरे में तीर चलाने जैसा है, लेकिन ये मेरी आखिरी पसंद है। पिछले कई महीनों से हार्ट लंग बाईपास मशीन के सहारे बिस्तर पर पड़े बैनेट ने कहा, मैं ठीक होने के बाद बिस्तर से बाहर निकलने के लिए उत्सुक हूँ। न्यू ईयर ईव के दिन अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने पारंपरिक प्रत्यार्पण न होने की स्थिति में एक आखिर कोशिश के तौर पर इस इमरजेंसी ट्रांसप्लांट की मंजूरी दी थी। सर्जरी के जरिए सुअर का दिल प्रत्यारोपित करने वाले डॉक्टर बार्टले ग्रिफिथ कहते हैं, ये एक सफल सर्जरी थी और इससे हम अंगों की कमी के संकट को हल करने की ओर एक कदम और बढ़ गए हैं। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके।